आज के टाइम में भी सिर्फ साउथ इंडियन मूवीज में वो जिगरा है, 3 घंटे लंबी मूवी बनाकर भी आपको 1 सेकंड बोर नहीं करेगी। आज नहीं तो कल बॉलीवुड में किसी साउथ की मूवी का रीमेक देखने से अच्छा क्यों ना साउथ की ओरिजिनल माइंड ब्लोइंग मूवीज को हिंदी में डब देखे। चलिए इस साल की शुरुआत करते हैं टॉप 10 हिंदी डब साउथ इंडियन मूवीज ऑन YouTube। अपने हीरो को चाहिए फेम और पैसा। तेलुगु इंडस्ट्री की मूवी है तो इतना सिंपल तो स्टोरी नहीं होगा। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ क्राइम मिस्ट्री 2014 की सराभम। 3, 2, 1। देखो यार, मूवी स्टार्टिंग में बहुत स्लो लगती है, इसलिए मैंने 1.25x पे देखी है। इंटरवल से पहले एक क्लाइमेक्स आता है और वहां से एक्चुअल मूवी स्टार्ट होती है। लेकिन क्राइम मिस्ट्री की खासियत होती है अपने ट्विस्ट और टर्न से आपको सरप्राइज करना, जो ये मूवी आपको 100% देगी और उस अजीबोगरीब ट्विस्ट पे आपका दिल आ जाएगा। मूवी कैरेक्टर बिल्डअप के लिए कुछ ज्यादा ही टाइम ले लेती है। क्राइम मिस्ट्री है, थोड़ी डिस्टर्बिंग सीन्स, लेकिन फैमिली के साथ जरूर देख सकते हैं। फैमिली मैन सीजन 2 में समांथा की परफॉर्मेंस देखकर मैंने एक्सपीरियंस किया सस्पेंस और इमोशन का एक परफेक्ट कॉकटेल। कुछ तो गड़बड़ है सर, हमें इस केस की तह तक। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट के साथ मिस्ट्री थ्रिलर 2018 की यूटर्न। ऑनेस्टली मूवी ने एक टाइम पे आके पूछ मार दी है। इतना ज्यादा कनेक्टेड होने के बाद मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था मूवी से। जिन्होंने देखी होगी वो समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन समांथा की परफॉर्मेंस सिंगल हैंडेडली पूरी मूवी को अपने कंधे पे उठाया। हमारी डायरी में जिन 10 लोगों के नंबर लिखे वो लोग मर चुके हैं। और अगर आप नए हो मिस्ट्री थ्रिलर की कैटेगरी में तो ये आपके लिए शायद वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज में से होगी। बाकी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के 2 आवर्स की ये मूवी कुछ जगहों पे अपने हॉरर मोमेंट से आपको गूज़बम्प्स में। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ 2018 की एक्शन थ्रिलर द रिटर्न ऑफ अभिमन्यु। अब तक हमारे फोन हैक करके हमें कंट्रोल करता आ रहा है, अब हमारी जिंदगी हैक करने वाला है। मूवी एक्चुअल में आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस 45 मिनट्स के बाद देती है, तो शुरुआत में जजमेंटल मत हो जाना। अपने हीरो का वो गुस्सा, वो छोटी छोटी चीजें पकड़ के जेम्स बॉन्ड की तरह उसमें से एक एक क्लू पकड़ना और खास करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हैकर को पकड़ना, टेक्नोलॉजी का जो मिक्सचर है वो आज के टाइम पे हमें रिलेट होता है और इसीलिए 100% ये मूवी आप रिलेट करोगे, एंजॉय करोगे पूरी फैमिली के साथ। लास्ट ईयर ऑस्कर में भेजी गई जलीकट्टू के बाद मुझे डायरेक्टर जोजी पिलेसेरी की एकदम अजीबोगरीब मूवी मिली। आपको अगर बहुत गुस्सा आता है तो ये मूवी परफेक्ट है आपके लिए। 2017 की मलयालम मूवी अंगमली डायरी। मूवी एकदम अजीब है भाई, वो शेकी कैमरा, बीच बीच में कटाक्ष करने वाली कॉमेडी और एकदम रॉ और रियल एक्शन। मूवी कई जगहों पे वो गली गैंग राउडी टाइप की फीलिंग देगी आपको, जिस वजह से मूवी और भी ज्यादा रियल लगती है। वेल, मूवी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। एडल्ट सीन्स को कट करके यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है, बस नेगेटिव है हिंदी डबिंग बहुत ही ज्यादा पुअर है। 5 पॉइंट फॉलो करो, किडनैपिंग बच्चों का खेल लगेगा। अगर आपने कभी किसी को किडनैप करने का सोचा हो तो वो कैसी होगी, उसका जीता जागता एग्जांपल है अगली मूवी। किडनैपिंग की स्पेलिंग भी आती है क्या? तमिल इंडस्ट्री की 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ हिंदी में डब रमी द ग्रेट गैम्बलर। इस मूवी की खासियत है मेरे हिसाब से कॉमेडी सीन्स, परफेक्ट सिचुएशनल कॉमेडी। लेकिन पता नहीं क्यों मूवी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इमोशनल सीन्स बहुत ही ज्यादा जबरदस्ती के लगते हैं। काफी टाइम बाद बहुत ही सटीक हिंदी डबिंग और 100% फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक सीक्रेट एजेंट बनने के बाद अपने ही बॉस का मर्डर। अगर आप नीरज पांडे की बेबी मूवी के फैन हो तो ये मूवी कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट के साथ आपको उतना ही इंप्रेस करेगी। स्पाई एक्शन थ्रिलर 2018 की गोदाचारी। तेलुगु इंडस्ट्री की ये मूवी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं लगी, बस इसके एक्शन सीन्स में आपको लॉजिक पूरी तरह भूलना होगा। लेकिन जब हीरो की बूच लगी पड़ी रहती है पूरी मूवी में और फिर एकदम से वो रिवेंज का मोड ऑन होता है, तब मूवी आपको एक के बाद एक सरप्राइजेस देती है। गोपी का वो स्टाइल, स्वैग, एटीट्यूड एकदम जेम्स बॉन्ड टाइप। स्पाई मूवी के फैंस के लिए ये मस्ट वॉच है। तेलुगु सिनेमा अच्छी तरह जानता है ऑडियंस को एंटरटेन और हंसाना कैसे। ओ, अरे तू है कौन? एफबीआई। एफबीआई। इनकी मूवी एकदम बफे की तरह होती है जहां आपको इमोशन, सस्पेंस, एक्शन और कूट कूट के कॉमेडी मिलती है। 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव पॉइंट के साथ हाल ही में हिंदी में डब हुई 2019 की स्पाई कॉमेडी थ्रिलर एजेंट साई। एजेंट? एलआईसी एजेंट हो? जहाँ किसी को दिखाई नहीं देता वहां से खोद के अपना एजेंट साई क्राइम ढूंढ के निकलता है। इसका 2 आवर्स 30 मिनट्स का लंबा लेंथ आपको स्टार्टिंग में फील होगा, लेकिन नवीन पॉली शेट्टी अपने ह्यूमर की टाइमिंग से आपको एंटरटेन के साथ इस मूवी की वो ट्विस्ट एंड टर्न से भरी मर्डर का इन्वेस्टिगेशन, कई जगहों पे चेस सीन और एकदम से ट्विस्ट एंड टर्न, मुझे इसी की तरह एक मराठी मूवी फास्टर फेने की याद दिलवाई। इस मूवी को आप 100% फैमिली के साथ देख सकते हैं। टॉप 3 मूवी से पहले, अगर आप साउथ इंडियन हिंदी डब मूवीज का पार्ट 2 चाहते हैं तो इस वीडियो पे एम करते हैं 18K लाइक्स का।
नंबर थ्री पे भाई साहब, ये मूवी आपको चैन से नहीं बैठने देगी। मुझे लगा था कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन हर बार यू प्रूव मी रॉन्ग। दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ ओरिजिनल तेलुगु इंडस्ट्री की स्पोर्ट्स ड्रामा 2019 की जर्सी। 36 साल का बुड्ढा है। मूवी का नेगेटिव उसका थ्रिलर है। पूरी मूवी हमारे सामने रख दी है, कुछ सरप्राइज नहीं। मूवी खत्म होते आप में इतनी एनर्जी भर जाएगी, आप इतने चार्ज्ड और पम्प्ड अप हो जाओगे, आप बैट उठा के ऑफिस चले जाओगे। बस वो 2 hours 40 minutes का लंबा लाइन शायद आपको खींचा हुआ लगे, लेकिन एमएस धोनी के बाद क्रिकेट स्पोर्ट्स ड्रामा में एक इसी मूवी ने मुझे इंस्पायर किया है। थोड़े बहुत इंटीमेटिंग सीन्स है क्रिकेट फैंस के लिए और फैमिली के साथ 100% मस्ट वॉच। 30s और 60s के दौर की साउथ इंडस्ट्री की क्वीन सावित्री। तुम फिल्मों में काम नहीं कर सकती। इनकी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ कैसे कलरफुल बनती है और वहां से कैसे लाइफ पलटती है, ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा। नेशनल अवार्ड विनर, 2 positive और 1 negative पॉइंट के साथ बायोग्राफिकल ड्रामा 2018 की महानती। मैं इस लायक हूँ या नहीं कहने वाला वो कौन होता है। आप इस मूवी को कहीं से भी देखना शुरू करो, ये आपको 1 minute में अपने अंदर खींच लेगी। और इसका क्रेडिट जाता है कीर्ति सुरेश को, जिन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है सावित्री को प्ले करके। जब भी तेलुगु इंडस्ट्री में अभिनेत्री का नाम लिया जाएगा तो सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिया जाएगा। 3 hours लंबी मूवी की हमें आदत नहीं है और इसलिए मैंने इसे यूट्यूब पर 1.25x पे देखा। लेकिन प्रकाश राज, विजय देवकोंडा, समांथा, एक से एक एक्टर सावित्री की लाइफ को और भी रियल और एंगेजिंग बनाती है। 100% आप इस मूवी को फैमिली के साथ देख सकते हैं। नंबर 1 पे भाई साहब, मूवी नहीं फायर है। जिसके हाथ में हथकड़ी है वो मेरा शिकार है। तमिल इंडस्ट्री की शान है ये मूवी। मूवी के स्टार्ट से ही सीधे आपको ऐसी सिचुएशन में डाल देती है, एक तरफ पुलिस स्टेशन पे कभी भी अटैक हो सकता है, दूसरी तरफ ट्रक में अपने हीरो को घायल पुलिस वालों को हॉस्पिटल ले जाना है। दोनों तरफ से आग बराबर लगी है, साला समझ नहीं आ रहा है कहां पे ध्यान देना है। इतना टेंशन भाई साहब मूवी में कौन लेता है। लोकेश कनक राज की मास्टर लेवल की डायरेक्शन, ब्रूटल रॉ राउडी दमदार एक्शन सीन्स। गोल्ड माइनस यूट्यूब चैनल को दिल से थैंक यू इस मूवी को हिंदी में लाने के लिए 2019 की कई थी। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली को शॉक और सरप्राइज करना चाहते हो कंटेंट से, तो अगले वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा के रखना। टॉप 10 इंडियन मूवीज के लिए राइट वाले को और प्रीवियस वीडियो के लिए लेफ्ट वाले को क्लिक करें। कंप्लीट लिस्ट के साथ मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। थैंक यू सो मच।